हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज बताऊंगा आपको राहु की महादशा में किसी जातक की राहु की महादशा चल रहा हो, राहु में गुरु की अंतर्दशा चल रही हो और वृश्चिक लग्न हो तो क्या फल होंगे। और ये सभी 12 भाव गुरु के फल बताए जाएंगे। गुरु राहु में गुरु कहीं पे भी बैठा हो रहा, ठीक है, चाहे वृश्चिक लग्न में पहले भाव से 12वें तक फल बताए जाएंगे। तो ये वीडियो जो है वृश्चिक लग्न वालों के लिए है और ऐसे दर्शकों के लिए है, श्रोताओं के लिए है जो ज्योतिष से प्रेम करते हैं, और ज्ञानी जन के लिए, सुधी जन के लिए, ज्ञानी जन के लिए है, ठीक है। कांटेक्ट नंबर मेरा ये है भैया, 7697871256। इसी में नंबर पे व्हाट्सएप नंबर भी यही है मेरा, ठीक है। यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो, कभी भी ज़रूरत पड़े आपको, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत नॉमिनल फीस पे आपकी कुंडली विश्लेषण कर दी जाएगी, कोई नाटक नौटंकी नहीं है अपने पास। यह वीडियो देखने और सुनने योग्य है, बड़ा मजा आएगा आपको। वृश्चिक लग्न में राहु में गुरु, राहु की महादशा 18 वर्ष चलती है, वृश्चिक लग्न में राहु में गुरु की अंतर्दशा 2 वर्ष 4 माह 24 दिन चलेगी। हर एक कुंडली में गुरु महाराज की स्थान बदल जाता है, इसलिए हर एक लग्नों के हिसाब से बनाया जा रहा है। चूंकि राहु में गुरु की दशा चल रही है तो मुख्य भूमिका गुरु की रहेगी, गुरु फल देगा, तो गुरु के ये कारकत्व है। आप वीडियो रोक के देख सकते हो, ये भी गुरु का कारकत्व है। वीडियो रोक के आसानी से आप देख सकते हो, ये गुरु के कारकत्व हैं, आप वीडियो देख के रोक सकते हो, है ना। ये भी गुरु के कारकत्व हैं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक एक चीज़ बताना ठीक नहीं है। गुरु लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो उच्च का स्वराशि, उच्च के हो स्वराशि में होने पर शुभ फल देता है। ऋषि पाराशर मुनि के सिद्धांत है कि गुरु, यदि राहु में गुरु चल रहा है और गुरु महाराज लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च के स्वराशि के हो, तो अच्छे फल देंगे। यदि गुरु महाराज नीच के हैं, शत्रु राशि में अस्त या पाप से युत या दृष्ट हो, या लग्न से 6, 8, 12 में हो, तो खराब फल देंगे। और तो और गुरु दूसरे और सातवें भाव में मारक भी कहलाता है, वहाँ पर भी अच्छे फल नहीं देगा। और तो कहते हैं ऋषि पाराशर महाराज की दशापति से, दशापति कौन होगा, राहु है भैया यहाँ पे दशापति, तो दशापति से गुरु केंद्र त्रिकोण में हो तो शुभ फल देगा, ठीक है। चलते हैं आगे अब और चीज़ों को देखिए। याद रहे आपको षडाष्टक योग हमेशा तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं, और द्विद्वादश योग भी अपने आप में अच्छा नहीं कहलाता है। तो यदि राहु से गुरु का जो प्लेसमेंट है, जहाँ से वो बैठा है राहु में से गुरु, ठीक है, यदि वो अपने से 12 बैठा है, मतलब आगे पीछे बैठा राहु पे, एक घर पहले राहु बैठा फिर गुरु बैठा, तो द्विदादश योग हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं उदाहरण से बताता हूँ, और षडाष्टक अपने से 6-8 बैठा हो, कहीं पे भी हो, 6-8 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यदि नवम पंचम बैठा हो तो शुभ है, 1-7 के योग से बैठा तो शुभ है, 3-11 अपने से 3 या 11 आता है वो, ठीक है, गिनने में तो शुभ है। राहु गुरु की जो प्लेसमेंट है तो अच्छी होगी। देखिए राहु में गुरु चले आपका और कोई भी नेगेटिविटी आ रही है, कष्ट हो रहा है, तो शंकर की पूजा करनी है आपको। शास्त्रों में तो शंकर की मूर्ति लिखा है, उस चक्कर में न पड़ो, शिव की आराधना करो, शिव सहस्रनाम का पाठ करो, सोमवार का व्रत करो, शिव स्तुति, शिव तांडव स्त्रोत्र, पता नहीं अनेकों ढेर सारी शास्त्रोक्त स्तुतियाँ शिव की हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। मुख्य रूप से गुरु फल देगा, तो गुरु के जो कारकत्व है इसलिए इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। मुख्य फल देगा गुरु, तो गुरु के कारकत्व आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु को ही फल देना है। अब यह आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है साहब, इसमें बताने को बहुत सारी चीज़ हो गई, अब है ना, ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। मैं ये बता दूँ सबसे पहले जानने कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो बादकेश जो ग्रह होता है वो नवम स्थान का स्वामी होता है, तो ये चंद्रमा या बादकेश भी बनता है इस लग्न की कुंडली में। लेकिन चंद्रमा बेहद शुभ है, भले ही वो बादकेश हो, लेकिन नवमे सो के अति शुभ है, और सूर्य नवमे सो के अति शुभ है, दसवें सो के अति शुभ है। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य और चंद्र से ज़्यादा शुभ कोई नहीं। सूर्य और चंद्र जहाँ बैठेंगे योगकारी होंगे, या आपस में दृष्टि भी देंगे, आपस में दृष्टि परिवर्तन करेंगे तो योगकारी होगा। तो इस कुंडली में सबसे बड़ा योग क्या कहलाएगा, इस कुंडली में सबसे बड़ा योग सूर्य और चंद्रमा का युति या दृष्टि, या कहीं पे भी साथ में बैठे हो सूर्य चंद्र तो योग करी होगा। लग्नेश होके मंगल को कोई दोष तो नहीं लगेगा षष्ठेश का, लेकिन फिर भी ये सम माना जाएगा, बहुत शुभ नहीं माना जाता, सम है, मतलब बहुत खराब, खराब तो देगा ही नहीं लेकिन सम है। मंगल जिसके साथ बैठेगा उसके उसके फल देने लगेगा, ठीक है, सम माना ऋषि पाराशर ने इसको, क्योंकि लग्नेश होने का ना षष्ठेश का दोष कम हो गया है, खत्म हो गया है।
अब देखते हैं गुरु, गुरु इस कुंडली में मार्केश है और पंचमेश है, तो मार्केश हो के तो खराब है लेकिन पंचमेश होके अति शुभ है। तो गुरु के बारे में भी ये कहा क्या गया है कि ऋषि पारसन ने बोला कि गुरु भी शुभ फल देगा, गुरु शुभ फल देगा इस कुंडली में, ठीक है, शुभ फल देगा तो अच्छे फल देगा। अब देखते शनि, शनि तृतीयेश और चतुर्थेश है, तो चतुर्थेश होके तो शुभ है लेकिन जो है तृतीयेश होके खराब है, त्रिष्टायपति है, इसलिए शनि तो वृश्चिक लग्न कुंडली में अशुभ माना जाता, खराब फल देता है। अब देखते शुक्र, वृश्चिक राशि के वृश्चिक लग्न कुंडली में शुक्र सबसे खराब फल देगा, क्यों, क्योंकि ये मार्केश भी है और तो शुक्र को केंद्र का भी दोष लगेगा और तो ये द्वादशेश होके पीड़ित है ही, तो शुक्र सबसे खराब ग्रह हुआ, ठीक है। शुक्र के बाद सबसे खराब ग्रह बुध कहलाएगा, अष्टमेश और उपचय त्रिष्टायपति होने से बुध सबसे खराब है और शुक्र सबसे खराब है। तो आपको दो चीज़ याद रखना है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में सबसे खराब ग्रह बुध और शुक्र है, बुध शुक्र और शनि सबसे खराब ग्रह। और उत्तरोत्तर खराब बताते चलूँ तो सबसे पहले बुध सबसे खराब है, इसके बाद शुक्र सबसे खराब है, इसके बाद शनि सबसे खराब है, ठीक है। बाकी ग्रहों को आप शुभ जानिए, मंगल को सम जानिए, गुरु को शुभ जानिए और सूर्य और चंद्रमा को अति शुभ जानिए। सूर्य की यदि दशा लग जाए वृश्चिक लग्न वालों को, बल्लम बल्ले बल्ले, और कहीं नवमेश की दशा लग जाए तो खूब तरक्की है, खूब प्रसिद्धि है, खूब तरक्की है, ठीक है। अब तो ये अब देखते हैं राहु, अब मेन बात तो हम राहु की कर रहे हैं भैया, अब राहु से हम षडाष्टक बता देते हैं आपको। देखिए पहले दो बारह का योग बता देता हूँ, राहु और गुरु कहीं पर भी ऐसे बैठे हों, आगे पीछे, गुरु से राहु कहीं पर भी आगे पीछे बैठे हो कहीं पर भी, वो दो बारह का योग कहलाता है। और ये दो बारह के योग भी दो बारह का योग अच्छा नहीं कहलाता। तो इनकी जब ऐसे बैठे हों और राहु गुरु की दशा चले तो थोड़ी तकलीफ होती है, इसका ध्यान रखना। अब आपको षडाष्टक भी बता देता हूँ, मान के चलो आपका लग्न में राहु बैठा है और गुरु ऐसा बैठा है तो ये षडाष्टक कहलाएगा। गुरु हो गया आपका कहाँ छठा, तो षडाष्टक कहलाएगा, है ना। और इसके बाद षडाष्टक कहलाएगा ये, यहाँ पे भी षडाष्टक कहलाएगा, ठीक। इसके बाद साहब आपका षडाष्टक कहलाएगा 7, 8, 9, 10, यहाँ से नहीं, यहाँ यहाँ षडाष्टक नहीं कहलाएगा, ये षडाष्टक कहलाया। अब राहु को चेंज कर देते हैं, ये राहु यहाँ पे आ गया, ये भी षडाष्टक हुआ, ठीक। अब गुरु यहाँ हो गया, राहु ये हो गया, ये षडाष्टक कहलाया। देखिए यहाँ उच्च का हो जाता गुरु, नौवें स्थान पे गुरु उच्च का हो जाता है और बहुत अच्छे फल देगा, बहुत ही ऐसे व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट और बुद्धिमान होंगे। पंचमेश होके यदि नवम स्थान पे गुरु उच्च का हुआ है, ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होंगे। और कहीं साथ में सूर्य मिल जाए और चंद्रमा मिल जाए तो गजकेसरी योग भी बन जाए, चंद्रमा हो जाए तो बहुत ही अच्छा योग बन जाएगा ये, तो है ना, ये षडाष्टक योग होता है। और राहु यदि चौथा हो और गुरु महाराज ग्यारहवें में हो तो षडाष्टक योग, और यदि राहु पंचम हो गुरु महाराज बारहवा हो तो षडाष्टक योग, गुरु महाराज छठे में हो और गुरु महाराज लग्न में हो तो षडाष्टक योग खराब होगा, सप्तम भाव में राहु हो और गुरु महाराज ऐसे बैठे हों ये भी षडाष्टक योग है, राहु आठवा हो और गुरु आपका दसवा हो के यहाँ नीच का हो गया हो, ठीक है। तो नीच का भी हो गया, षडाष्टक भी बना रहा है, बहुत खराब फल देगा, ऐसे में तो स्थिति बहुत खराब हो गई, ठीक है। अब आपका गुरु चौथा हो और राहु यहाँ पे बैठा हो, ये भी षडाष्टक है, ठीक है। अब आपका राहु दसवा हो गुरु पांचवा हो, ये भी षडाष्टक। अब आपका राहु ग्यारहवा हो और गुरु छठा हो, ये षडाष्टक। अब आपका ये हो गया राहु बारहवा हो और गुरु सातवा हो, ये षडाष्टक। और ये आपका लग्न का गुरु राहु हो और गुरु अष्टम हो, तो ये षडाष्टक। इस जितने षडाष्टक सारे मैंने समझा दिए, राहु से गुरु यदि छठा हो या आठवा हो इसको षडाष्टक बोलते हैं। तो षडाष्टक योग कट अच्छे फल नहीं देता है, लेकिन इस कुंडली में वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु शुभ है, पंचमेश होके अति शुभ हैं और नवमेश होके धनेश भी हैं, भले ही मार्केश है लेकिन मार्केश नहीं बनेंगे। मार्केश तब बनेंगे वो यदि शुक्र का सहयोग मिल जाए उसको, या बुध का सहयोग मिल जाए, या साहचर्य हो जाए, दोनों से युति दृष्टि हो जाए तो वो मार्केश होंगे, नहीं तो गुरु मार्केश नहीं होंगे। तो गुरु क्या फल देंगे आपको ये भी जानो कि अब गुरु तो आपको दो स्थान के फल देंगे, ठीक है। गुरु आपको धन स्थान के फल देंगे, कुटुंब स्थान के और पंचम स्थान के फल देंगे, और गुरु महाराज कहीं पे भी इधर बैठे होंगे उस भाव के भी फल देंगे, ठीक है। यदि ये केंद्र भाव में बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है साहब, है ना।
ये लग्न हुआ तो केंद्र हुआ, ये भी केंद्र हुआ, दसवां स्थान, ये सातवां स्थान केंद्र हुआ, वही चौथा स्थान केंद्र हुआ, ठीक है। और यदि कहीं यहाँ बैठते हैं छठे आठवें बारहवें, तब तो फिर वो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, इस बात को आप ध्यान रखना। ये उपचय स्थान भी अच्छा नहीं माना जाता है और ये तीसरा स्थान भी अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ नीच के भी हो रहे तीसरे में, ठीक है। और यहाँ पे बैठ के वो मारक कहलाते हैं, ठीक है, तो भी यहाँ फल में थोड़ी कमी आती है। तो गुरु महाराज सबसे पहले दो स्थान के फल देंगे तो तय ही है कि भाई आपके धन स्थान के और पंचम स्थान के फल देंगे, तो इनके हम कारकत्व तो भी देख लेते हैं कि भाई द्वितीय स्थान में क्या कारकत्व होते हैं पंचम के। चलो द्वितीय स्थान के कारकत्व हम देख लेते हैं। वाणी, धन, जीवा का स्वाद, आंखों की सुंदरता, कुटुंब, मुख की आभा, प्राथमिक शिक्षा, खान पान, चेहरा, दांत, दाहिना नेत्र, जमा धन, इतने सब इसके कारकत्व है। इन सब से रिलेटेड मामला हो सकता है। पंचम भाव में तो बहुत सारे कारकत्व है। पंचम भाव से संतान संबंधी सुख, मन, बुद्धि, शिक्षा, विद्या, प्रतिभा, पेट, उदर, पाचन तंत्र, मंत्रों द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना, विवेक तथा विद्वता, शासकीय मुहर, कर, आत्मा, प्राण शक्ति, गर्भ, श्रुति, गर्भ भी इसी से देखा जाए, श्रुति या स्मृति, जुआ, सट्टा, लाटरी, पितामह, दादा, स्मरण शक्ति, प्रेम संबंध, अनैतिक यौन संबंध, शक्ति भावना, भविष्य का ज्ञान, मंत्र सिद्धि, रंगमंच, कलाकार, खेलकूद, जनता की सुविधा, तो बगीचा, उद्यान, नैतिकता, शेयर मार्केट, राज्यसभा, अभिनेता, सत्ता, देश की जनता, जनदर, यहाँ सबसे देखा जाएगा। काफ़ी इसके कारकत्व तो हैं। तो मुख्य आपको दूसरा स्थान और पंचम के फल मिलेंगे। और गुरु महाराज अब मुझे नहीं पता कहाँ बैठा, यदि अष्टम बैठा तो अष्टम के फल आने लगेंगे, नवम में बैठा तो नवम के फल आने लगेंगे, दसम में बैठा तो दस के भी फल आएंगे, और गुरु के साथ कोई दूसरा ग्रह बैठा उसके भी फल जाते हैं, गुरु को जो ग्रह दर्श देखता उसके भी फल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। अब ये भी देखा जाएगा कि गुरु उच्च का है कि नीच का है, कि अस्त का है, कि उसके साथ शत्रु राशि में बैठा है, या फिर वो किस नक्षत्र में है। हो सकता है गुरु राहु के नक्षत्र में हो तो राहु का प्रभाव ले लेता है कभी कभी वो, या शनि के नक्षत्र में तो शनि के प्रभाव ले लेता है। तो इस प्रकार से फल कथन करना अपने आप में कोई सीधी सरल बात नहीं है, ये बहुत कठिन काम में से एक होता है, ठीक है। अब चलते हैं उपाय। चलो साहब आपको कोई भी फल दे रहा है, उपाय बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा नगीना का भी बता ही दूँ। नगीना पहनने वाले बड़े परेशान करते हैं यार। भैया देखो चंद्रमा बहुत ही अच्छा है इस कुंडली में, मोती पहनना है तो बिल्कुल बिना किसी से पूछे पहन लो, और यदि सूर्य का माणिक पहनना है तो बिना किसी के पूछे पहन लो, और लग्नेश मंगल का पहनना तो भी पहन लो, कोई दिक्कत नहीं, और पुखरा गुरु का पहनना पुखराज तो भी, पंचमेश होके सुबह गुरु तो पुखराज ही पहना जा सकता है। क्या नहीं पहना जा सकता है सुन लो, भूल के भी शनि का रत्न नीलम ना पहने वृश्चिक लग्न वाले, शुक्र का रत्न हीरा बिल्कुल ना पहने, बुध का रत्न पन्ना बिल्कुल ना पहने, कतई ना पहने, ठीक है। जनरली ये कहा जाता है कि प्रश्न मार्ग में लिखा है यदि कोई भी ग्रह छठवें आठवें बारहवें भाव में बैठे हो तो ऐसे ग्रहों के रत्न नहीं धारण किए जाते हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं कि भाई अब सूर्य की दशा चल रही हो तब यदि आप सूर्य का माणिक पहनो तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे ही चंद्रमा की दशा चल रही है और मोती पहनो तो ज़्यादा अच्छा है। भाई जब दशा चलेगी तभी तो वो ग्रह कारगर होगा ना, कि हमेशा थोड़ी वैसे रिजल्ट देगा। अब मैं बता दूं भाई आपको काम की बात कि उपाय क्या है। देखिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं भैया मुझे पत्र दो, पुष्प दो, फल दो, जल दो, सबसे मैं सहमत होता हूँ, ठीक है, सबको स्वीकार कर लेता हूँ। अच्छे भाव से भगवान की चिंता, अनन्य चिंते मत माम चना परसु पायते, भगवान कहते हैं अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो, ये सब गीता के श्लोक है, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो तो मैं प्रसन्न होता हूँ और तुम्हारी रक्षा भी करूँगा, ठीक है। देखो नवग्रह स्त्रोतम अच्छा विकल्प है, सब ग्रह की शांति होती है। बड़े सरल सरल उपाय बिना पैसे वाले बता रहा हूँ मैं आपको। राहु के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, ठीक है। दुर्गा माँ की पूजा से, शक्ति की पूजा से राहु ग्रह की शांति होती है, ठीक है। और राहु का तो जप है ही, ओम राहु रावे नमः, और भी वैदिक मंत्र है राहु को, वो भी पाठ कर सकते हो। देखिए दान जप, विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र जप, गुरु प्रदत्त मंत्र स्वाध्याय करना, धर्मशास्त्र का पठन पाठन जैसे रामायण, गीता, भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड और शिव के ढेरों कांड, शिव की बहुत सारी पूजाएं, पद्म पुराण पढ़ रहा है तो कोई शिव पुराण पढ़ रहा है, आदि विभिन्न प्रकार के स्रोत पाठ जैसे हो राम रक्षा स्रोत, नारायण कवच, और कोई ललिता सहस्रनाम पढ़ता है, साउथ के लोग तो और चीज़ें पढ़ते हैं, इन सब से भी ग्रह शांति होती है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और कोई जरूरी नहीं है कि रत्न पहनने से ही ग्रह शांति हो, तो रत्नों का कोई, ऋषि पारसन ने तो रत्नों के बारे में कुछ नहीं बताया, आप
व्यवसायिक दुनिया आ गई है, लोगों को पैसे कमाने हैं, धरातलों का बोलबाला हो गया है और लोग पूजा पाठ करना भी नहीं चाहते, है ना। तो भैया ये मेरा वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं है तो गाली भी देने के लिए स्वतंत्र है। हमको कौन सी गाली लग रही है आपकी यार, ठीक है। ये हो गया राहु में गुरु, वृश्चिक लग्न वालों के लिए था वीडियो, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हरे कृष्णा।